खाद्य वस्तुओं की महंगाई को कम करने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। दरअसल अनाजों में महंगाई को रोकने के लिए सरकार खुले बाजार में सस्ते रेट पर गेहूं चावल जैसे सामान बेच सकती है। इस बात के संकेत खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने दिए हैं। सरकार के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन दूसरी ओर खुले बाजार में इन सामानों के रेट बढ़े हुए हैं। खासकर त्योहारी सीजन में लोगों को आटा चावल के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सितंबर के महंगाई आंकड़े में खाद्य वस्तुओं की महंगाई का बड़ा रोल बताया गया है। इसे निजात देने के लिए सरकार अब अनाज बेच सकती है। सरकार को भरोसा है कि इस खरीफ सीजन के धान की पैदावार अच्छी होगी, जिसकी कटाई का काम चल रहा है। सरकार 770 लाख टन धान की खरीद की उम्मीद जता रही है, जबकि पिछले साल 780 लाख टन धान की खरीद की गई थी। इस हिसाब से धान का सरकारी स्टॉक 900 लाख टन पर पहुंच सकता है। खरीफ के साथ ठंड के दिनों में रोपे जाने वाले धान को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो स्टॉक 900 लाख टन तक बैठता है। वहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की चेयरमैन के मीना का कहना है कि इस साल देश में ठीक ठाक बारिश हुई है, इससे धान की पैदावार भी सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि गेहूं की फसल पर खराब असर दिखा था, क्योंकि मार्च महीने में ही अधिक गर्मी पड़ने और लू चलने से फसल को नुकसान हुआ था। उधर गेहूं की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने चावल पर भी प्रतिबंध लगाया गया। चावल पर निर्यात शुल्क 20% कर दिया गया और टूटे चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। आपको बता दें कि बाजार में गेहूं के दाम पहले से अधिक बने हुए हैं, क्योंकि किसानों को इसे सरकार से बेचने के बजाय निर्यातकों को बेचने में ज्यादा फायदा मिला है। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है, जबकि उन्हें निर्यातकों से अधिक लाभ मिल रहा है। खाद्य सचिव का कहना है कि गेहूं के दाम में अभी असामान्य वृद्धि नहीं है, क्योंकि 2021 से अभी तक दाम गिरे हुए हैं। सरकार ने पिछले साल खुले बाजार में अनाज का बड़ा स्टॉक बेचा था, ढुलाई का खर्चा भी सहन किया था, इसीलिए पिछले साल गेहूं के दाम बहुत ही कम थे। उधर देश से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद निर्यात 72 लाख टन से घटकर 42 लाख टन पर जा पहुंचा है। इस तरह सरकार के भंडार में अभी 25 लाख टन अधिक गेहूं है। ऐसे में सरकार महंगाई को रोकने के लिए खुले अनाज को बाजार में बेच सकती है। इससे लोगों को सस्ते में गेहूं और चावल खरीदने का मौका मिलेगा। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर 7.41% पर पहुंच गई। इसमें खाद्य पदार्थों की महंगाई सबसे अधिक है। इसे रोकने के लिए सरकार बाजार में सस्ते रेट पर अब गेहूं और चावल बेच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।